अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुबैब गौरी और वेलकम करता हूं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। फाइवर पर कामयाबी के लिए तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्टर है आपकी गिग क्रिएशन। आपकी गिग किस तरह से बनाई गई है, आपने गिग कितनी अच्छी बनाई है, गिग बनाने से पहले आपने कीवर्ड रिसर्च कितनी अच्छी की है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपकी गिग की ट्रैफिक। आपकी गिग की ट्रैफिक कितनी आ रही है, कितने लोग आपकी गिग को देखकर क्लिक कर रहे हैं। अगर आपकी आपकी गिग उनके सामने 100 लोगों के सामने पेश की जाती है, यानी कि इंप्रेशन मिलते हैं, तो आपको क्लिक्स कितने मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ट्रैफिक कितनी आ रही है, और ट्रैफिक बाहर से भी आ रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है कि आपकी गिग के जो ऑर्डर्स हैं उनके मैनेजमेंट आप कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर आपके प्रॉपर फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए, रिविजन्स कम से कम होनी चाहिए। रिविजन देना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके हर ऑर्डर के अंदर रिवीजन आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम की बात बन जाती है, उससे गिग की रैंकिंग डाउन हो जाती है। और आपको किस फ्रीक्वेंसी से ऑर्डर आ रहे हैं, आपको ऑर्डर आते रहेंगे तो आपकी गिग की रैंकिंग रोज़ की रोज़ अप होती चली जाएगी और आपकी गिग की रैंकिंग सबसे ऊपर भी जा सकती है, नंबर वन पोजिशन पर भी आ सकती है। जैसे कि मेरी गिग की पोजिशन नंबर वन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपसे बस एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले जाएं। आपका एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है मुझे। आपके लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है। और अगर आप मुझसे कोई कमेंट में क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपका आज एक बहुत अच्छा स्टेप हो जाए। आप कमेंट में क्वेश्चन भी लाजमी करें। चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं वहां पे आपको बताता हूं कि गिग को बहुत अच्छा क्रिएट कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ गया हूं और हमने अज्यूम ये किया है कि हम अपनी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और हमारा कीवर्ड सिलेक्टेड है स्टनिंग बिजनेस कार्ड। इसके ऊपर हम गिग बनाना चाहते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है और बल्कि कई वीडियोज़ बनाई हैं। आप अगर किसी निश में काम करना चाह रहे हैं तो मुझे निश कमेंट में बता दें, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च मैं करके दूंगा, क्योंकि मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो कीवर्ड रिसर्च मैं कर दूंगा आपको, उस निश में 2-4-5 कीवर्ड रिसर्च करके आपको मैं बता दूंगा, आप उनमें से एक आधा सेलेक्ट कर लेना। हम गिग क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो है अपना कीवर्ड है वो स्टनिंग बिजनेस कार्ड, इसके ऊपर हम एक गिग बनाने जा रहे हैं। मेरी जो प्रोफाइल है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नहीं है, तो मैं इस गिग को लाइव नहीं करूँगा, सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ उसमें, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने अब हमारा क्या तरीक़ेकार होता है, हमेशा यही होता है कि किसी की अच्छी सी गिग देखें जो कि पहले से रैंक है, उसको देख कर अपनी गिग बनाएँ और उसका कुछ हिस्सा कॉपी किया जाए, ठीक है। बिल्कुल भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। अगर आपको कुछ हिस्सा कॉपी 70-80% कॉपी करने से अगर आपको कॉपीराइट इशू आता है तो मुझे आके बताएं, मैं आपका सारा जुर्माना पे करूँगा, मैं उसका 100% आपको फ़ाइन भरने को तैयार हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने कहा था कि फ़ाइन आ जाओ, क्या नाम है अपना, पेनल्टी पड़ जाएगी 70-80%। ये सारी गिग्स आपस में 70-80% मैच कर रही हैं, ठीक है, तो हमारी भी नींद जैसी एक बनेगी। अच्छा, अब मसला आ जाता है गिग सिलेक्शन का कि हमने किस गिग को कॉपी करना है। उसके लिए मैं देखता हूँ, आई विल डू अ स्टनिंग बिजनेस कार्ड और स्टाइलिश एलिगेंट बिजनेस कार्ड। ये एक अच्छी गिग लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि इसने देखें प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च स्टफिंग की हुई है, स्टनिंग बिजनेस कार्ड और स्टाइलिश एलिगेंट बिजनेस कार्ड। स्टनिंग, स्टाइलिश, एलिगेंट, इसने तीन कीवर्ड्स को, यानी स्टनिंग बिजनेस कार्ड, स्टाइलिश बिजनेस कार्ड और एलिगेंट बिजनेस कार्ड को, लेकिन इसे बिजनेस कार्ड 2 बार यूज़ किया है, ठीक है। आप इसी का एज इट इज टाइटल कॉपी करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ठीक है, और आपने क्या करना है, ए स्टनिंग, ए ये ले, इसको यहाँ से खत्म कर दें, ठीक है, इसको करें कंट्रोल एक्स, आपको भी कर दें, ये लें जी, ठीक है, स्टाइलिश एलिगेंट और स्टनिंग बिजनेस कार्ड, ठीक है, इन 24 आवर्स। ये वर्डिंग में मैंने पूरी कर ली है, मुझे यहाँ से वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या क्या नाम है, लेंथ है 62 करेक्टर्स की, तो 60 हमें 80 करेक्टर्स अलाउ होते हैं 62 में, बहुत अच्छा ये हमें बन चुका है, हमारा टाइटल बन चुका है। और उसका हमने कॉपी उसी का किया है, इस वाली गिग का, मोनिरा का, ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मैं भी इसको कॉपी नहीं करूँगा, मैं कॉपी करूँगा इसको, इस वाली गिग को, ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं कीवर्ड्स, तो इस कीवर्ड को हमने क्या करना है, इस गिग को हमने ओपन कर लेना है।
इस गिग का यहाँ से टाइटल कॉपी किया और टाइटल कॉपी करके हमने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये मैं नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल क्रिएट, क्रिएट की जगह हमने क्या लिख देना है, डिज़ाइन, ठीक है। आई विल डिज़ाइन ए स्टाइलिश लग्जरी एलिगेंट एंड स्टनिंग बिजनेस कार्ड, ठीक है। एंड को ये वाला एंड लगा दिया, सही है। इन 24 आवर्स, सही है, ये हमारा बन गया। आई विल लिंक हो के लिखते, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका जो वो ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके कोमास भी ख़त्म करके देख लेता हूँ। कोमा ख़त्म करने से भी नहीं हो रहा, ठीक है। डिज़ाइन आ को ख़त्म करके देख लेता हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। 24 आवर अभी भी नहीं हुआ इन, चलो ठीक है, फिर भी 20 स्टनिंग बिजनेस का डिज़ाइन स्टाइलिश लग्जरी एलिगेंट एंड कोई भी ख़त्म करके देख लेते हैं। स्टनिंग बिजनेस कार्ड, सही है दोस्तों, ये भी सही है वैसे टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आ रही है, हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि इनकी कैटेगरी कौन सी है। यहाँ से कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड स्टेशनरी, ग्राफिक डिज़ाइन बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ठीक है। इन्होंने टाइप कौन सी चूज़ की हुई है वो हम यहाँ से नीचे जाएंगे, और इनको थैंक यू, इनको थैंक यू हम बोलने का तरीका ये है कि ये जो अपना जिस सेलर की हम इसकी गिग को फेवरेट कर लें, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, इनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हम दे देना, ठीक है। जिससे हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं उसको फ़ायदा दे देंगे थोड़ा सा। ये देखें, मेन टाइप, मेन टाइप कौन सी है, बिजनेस कार्ड। मेन टाइप हमने कौन सी लगानी है, बिजनेस कार्ड, ठीक है। और नीचे चलें, और नीचे चलेंगे तो एलिगेंट बिजनेस कार्ड, कंट्रोल सी, एलिगेंट बिजनेस कार्ड, इंटर मारा, सही है। फिर ये वाला जो भी कीवर्ड है, मैं कीवर्ड्स को देखे पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ कॉपी पेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें एक चीज़ जो बनी बनाई मिल गई है यार, स्टाइलिश कार्ड, और ये स्टाइलिश कार्ड हमने एंटर मारा, नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अब बॉडी की बारी आएगी, और बॉडी की बारी आती है ना, ठीक है। बॉडी प्राइसिंग, सही, इन्होंने प्राइसिंग दी हुई है, 1 बिजनेस कार्ड प्लस सोर्स फाइल, ये आगे साथ सोर्स फाइल भी दे रहे हैं, हम भी देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 बिजनेस कार्ड 2 साइड्स, ठीक है। 2 साइड्स हमने ऐड कर दिया। अब मेरे दिमाग में आया था 2 साइड्स तो मैंने कर दिया, नहीं दिमाग में आता तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। सबसे पहले आएगा बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसकी खैर होती है, ठीक है। फिर हमने किया अपना जनरल वैली, 1 बिजनेस, BUSINE बिजनेस कार्ड विद स्टनिंग डिज़ाइन। ये देखें कीवर्ड स्टफिंग, ये क्या है, स्टनिंग डिज़ाइन, और यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग ऐसे करनी है कि रीडेबल रहे, अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। और साथ में लिख देंगे 2 साइड्स, सही है। अच्छा जी, इनका देखें इन्होंने क्या किया, वैसे स्टैंडर्ड में 2 बिजनेस कार्ड, यहाँ पे स्टेशनरी VIP पैक, ठीक है, स्टेशनरी VIP पैक, यहाँ पे 2 बिजनेस कार्ड्स हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे, ओके। इसको कॉपी किया और इसको स्टनिंग एंड एलिगेंट डिज़ाइन, ओके। हमने क्या किया, कीवर्ड एक और ऐड कर दिया, ठीक है। 2 साइड्स यहाँ पे हैं, 2 बिजनेस कार्ड, 2 साइड्स ईच, यानी कि हर कार्ड की 2 आएंगी, ठीक है। कंट्रोल सी, ये लें, हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 बिजनेस कार्ड्स कर देते हैं,
या इसमें क्या कर देते हैं, स्टनिंग एंड एलिगेंट डिज़ाइन। स्टे TIONARY पैक। हम जिसका वो दिया था उन्होंने वही चीज़ हम कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा, आप डिज़ाइनिंग में क्या क्या दे सकते हैं विद एलिगेंट डिज़ाइन। यहाँ पे हमें टू साइड चीज देने की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। सब चीज़ें ओपन रखें, डिलीवरी टाइम पहली डिलीवरी टाइम लाजमी बन रखें, रिवीजन अनलिमिटेड रखें। पहले ये दो चीज़ें लाजमी आपने फिक्स रखनी है, ठीक है। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में वन कर दें, यहाँ पर प्रिंट रेडी सोर्स फाइल और एली ईमेल सिग्नेचर देख लें। पहला साइज़ लाजमी 5 रखें, ठीक है, पहले के अंदर। इसको बेशक सबको सिलेक्ट नहीं करें, ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। वन डे डिलीवरी लाजमी रखनी है, अनलिमिटेड रिविजन लाजमी रखनी है और प्राइस $5 लाजमी रखना है, ठीक है। ये दो चीज़ें लाजमी हैं। उसके बाद फिर दूसरे में आपका दिल चाहे तो 2 डेज डिलीवरी कर दें, 3 डेज डिलीवरी कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रिविजन यहाँ पर भी अनलिमिटेड रखें, यहाँ पर भी अनलिमिटेड रखें, ऐसे डिलीवरी यहाँ की 6 डेज कर दें, कोई मसला नहीं है। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट वन वन, ठीक है। आपका दिल चाहे तो 2 भी दे सकते हैं। प्रिंट रेडी तो है, सोर्स फाइल इन दोनों में दे देंगे, डबल साइड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ईमेल सिग्नेचर सिर्फ इसमें है, ठीक है, हमने कुछ भी कर दिया। अच्छा, एक्स्ट्रा डिलीवरी वगैरह लेना देना, ये एक्स्ट्राज को लाजमी फिल करें आप, ठीक है, एक्स्ट्राज को लाजमी फिल करें, ये बहुत अच्छा होता है एक्स्ट्राज फिल करना, ठीक है। तो इससे आपका स्टॉक फ़ोटोज़ को भी लाजमी क्लिक करें, ठीक है। ईमेल सिग्नेचर को भी देखें, अगर आपका जो जो चीज़ें आपकी आ सकती हैं इसमें, बेसिक में आपने एक दिन में एक्स्ट्रा 1 दिन लगेगा यानी कि इसमें ना, और फॉर एक्स्ट्रा $5, ये ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, फॉर एक्स्ट्रा $5 एक दिन में, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी 1 दिन में होगा, और एक्स्ट्रा $20, एक्स्ट्रा $10 और एक्स्ट्रा $5, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस इसका रखना है हमने जो इन्होंने रखा था 10-25, 5-15-25, 5-15-25, प्राइस की खैर होती है, प्राइस यहाँ पे 5 रखें लाजमी, यहाँ की खैर है जो मर्ज़ी रखें, ठीक है। 7 कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और इसको मैं फ़िलहाल के लिए अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ये आगे जाने दे, क्योंकि आगे की चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रही है। अच्छा दोस्तों, अब आ गया है डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम। डिस्क्रिप्शन लिखने में मुझे इनकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ये मैंने इनकी पहले डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली और मैं एक और बंदे की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूँगा डिस्क्रिप्शन की, हाँ, क्योंकि हमने प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग करनी है तो इनसे ज़्यादा अच्छी कीवर्ड स्टफिंग मुझे ये वाली चीज़ पसंद आ रही है। यहाँ से लेकर मैं मज़ीद ये हिस्सा कॉपी कर लूँगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको कॉपी करने के बाद हाई आई कैन प्रोवाइड हाई आई एम हुबैक, ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपका जो टाइटल है पूरा का पूरा, क्या चीज़, आपका आपका क्या टाइटल, वो आपने उठाना है और एग्जैक्टली पहली लाइन में लाजमी पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। मैंने वहाँ से उठा के आई कैन प्रोवाइड यू आर दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इसकी ग्रामर ठीक करने के लिए आप कोमा शोमा लेना देना जो मर्ज़ी डालें, लेकिन आपके सारे के सारे कीवर्ड आपके पहले पैराग्राफ में आना ज़रूरी हैं, ठीक है, जिस तरह इन्होंने किया हुआ था। मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी, इस तरह कर देंगे, ठीक है। आई लव डिज़ाइन मैनी ब्रांड्स, इसमें ये देखें एक बिजनेस कार्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, ऑल्सो गाइडलाइन क्लाइंट रिगार्ड डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन का वर्ड यूज़ हुआ है, कलर स्कीम एलिगेंट। इस बात को सिंपली रिमूव करके किसी और की कॉपी कर लें या सिंपली इसको ख़त्म ही कर दें, खैर है, ठीक है। इसके अंदर बिजनेस कार्ड का यूज़ हुआ था,
ठीक है, तो एक कीवर्ड बिजनेस कार्ड के कीवर्ड को हमने बार बार यूज़ कर लेना है, कोई मसला नहीं। बिजनेस कार्ड हमारे कई बार आएगा अगली बार। व्हाट सर्विस विच यू लाइक टू गेट दिस सर्विस? ओके जी, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, क्लीन कस्टम बिजनेस कार्ड। क्लीन कस्टम क्यों लिख रहे हो यहाँ पे? स्टाइलिश लिखो, स्टाइलिश कस्टम, क्लीन स्टाइलिश लग्जरी एंड कस्टम बिजनेस कार्ड हैं, ठीक है ना। कंप्लीट गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड, ये क्या मतलब कंप्लीट गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड? इस बात को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, 24/7 अवेलेबल, स्पोर्ट्स अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अनलिमिटेड रिवीजन, प्रिंट रेडी PDF, लाइफ टाइम सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, फ्री सपोर्ट हम दे देते हैं। खैर, फिर टू कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्यूरी, इसको भी ख़त्म करो। ठीक है, आई कैन डिज़ाइन द प्रिंट रेडी। अच्छा, ये मैंने दो बंदों से कॉपी की है ना, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। ये लो, यही क्योंकि बात यहाँ पर पहली भी आ चुकी थी, वो भी मैंने रिमूव कर दी थी। और ये देखो ना, प्रिंट रेडी यहाँ पर आ रहा है, तो फिर इसलिए वो वाली लाइन मैंने रिमूव कर दी। अच्छा, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम मी, ये देखें, आउटस्टैंडिंग बिजनेस कार्ड। आउटस्टैंडिंग का देखो, अब इस बंदे ने आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज़ किया है जो कि हमारे कीवर्ड में शामिल नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टनिंग बिजनेस कार्ड। ठीक है, अपने कीवर्ड्स को ही फोकस कर रहा हूँ मैं। प्लास्टिक कार्ड ऑल्सो अवेलेबल, अब प्लास्टिक कार्ड ऑल्सो अवेलेबल, हम कौन सा प्रिंट करके दे रहे हैं जो कि प्लास्टिक कार्ड, वहाँ पे इसको ख़त्म करो। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड, ठीक है, सही है जी। मॉकअप एंड कॉन्सेप्ट, ये क्या मतलब मॉकअप एंड कॉन्सेप्ट? बिफोर डिजाइन मॉकअप, मॉकअप बिफोर फाइनलाइजिंग, ये ले मॉकअप बिफोर फाइनल डिजाइन, ठीक है, ये है सैम्पल वर्क बिफोर फाइनल डिजाइन। देखिए, मैं काफ़ी हद तक चेंजेस कर रहा हूँ, 70 to 80% चेंज हो जाएगा मेरा। ठीक है, सिंगल और डबल साइड, ओके। अच्छा, 3 300 PPI हाई क्वालिटी कार्ड, ओके हो गया। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाँ, ये देखें जी, ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। द स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड साइज इज़ दिस वन इंचेज़। इफ़ यू वॉन्ट द चेंज द डायमेंशन साइज, प्लीज़ टेल मी इन द ऑर्डर्स पेज और टेल मी एट फर्स्ट। ये ले, मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया था कि बॉट पहचान ना पाए कि हम कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट चेंजेस, ये देखें, सेंटेंस ही चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड मी, यार ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को ख़त्म करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अच्छा, सो प्लीज़ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर स्टार्ट दी ऑर्डर काउंट डाउन, ओके हो गया। एक्सक्लूसिव फायर रिगार्ड्स खुबैर, ठीक है, सही था डिज़ाइन, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। अब हमने करना है स्टनिंग बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ये वाला जो कीवर्ड है इसको एक दो बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, टू ऑर्डर काउंट डाउन फॉर स्टनिंग बिजनेस कार्ड, ये देखें। अब मैंने कितनी घटिया तरीके से इसकी कीवर्ड स्टफिंग की है, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग हो गई है, खैर है, सही है। अच्छा, ऑर्डर पेज फर्स्ट, ये देखिए, जो हमारा जो मेन कीवर्ड था वो भी मैंने नीचे एक बार डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसको आप मज़ीद अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी लोगों की पढ़ें, इन सब की गिग्सों को पढ़ें, ये यहाँ से जाकर इन सब की गिग्स को स्टडी करें। ठीक है, और आप यहाँ से इनमें मज़ीद ये करें, और ये वाले आपके कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप चार चार बार, पाँच पाँच बार रिपीट करें अपने, उसमें तीन चार पाँच बार, जितनी बार आपका दिल करे आप इसको रिपीट करें, ये वाले आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ओके हो गया। लेकिन 5 6 से ज़्यादा होगा तो कीवर्ड स्टफिंग ओवर ओवर हो जाती है, फिर वो कहते हैं औकात से बाहर हो गया है बंदा,
फिर मज़ा नहीं आता। इसको किया कॉपी, मारा कंट्रोल सी, यहाँ पे मारा कंट्रोल वी। इसके बाद हम गए यहाँ पे लिखा करेक्टर सिंबल, ठीक है, इंटर मारा। अच्छा जी, यहाँ से लाए हमने ये, देखें यहाँ से हमें एक करेक्टर पसंद करेंगे अपनी मर्जी का, स्टार सिंबल्स। ये लोड हो जाए बस, आई एम सॉरी लेट हो रही है। हाँ ये वाला पसंद कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी हो गया है, यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। हाँ जी कॉपी हो गया है, यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी साइंस लगानी है हमने। इसकी जगह हमने क्या किया ये, इसकी जगह हमने क्या किया ये, इसकी जगह हमने क्या किया ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। देखें कितना प्यारा हो गया है ना। ये देखो, और इस तरह यूनिक प्रोफेशनल कस्टम टू कार डिज़ाइन, ओके हो गया। अच्छा, और फिर हमने क्या किया, दोबारा इसको थोड़ा सा पीछे गए, क्लोज, इसको उठाया, और हमने इस वाले पार्ट में कंट्रोल वी 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 ये लें, ठीक है। इस तरह से आपकी थोड़ी सी लुक भी बन गई, और रिगार्ड्स आपने कर दिया हुबे बोरी, ठीक है। और फिर नीचे आपने क्या किया, कीवर्ड्स को अपने ए यहाँ से यहाँ तक आपके कीवर्ड्स ने कंट्रोल सी, हाँ कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ से कर दिया स्टनिंग, एलिगेंट, ये और ये, ठीक है। इस तरह से आपके कीवर्ड्स दोबारा से रिपीट हो गए, ठीक है। एफएक्यूज लाजमी ऐड करें, इन सब के गिग्स ओपन करें, इन सब की इन्होंने जो जो एफएक्यूज ऐड किए हैं उस तरह से आइडिया ले लें, सेम एज इट इज़। एफएक्यूज आपने कॉपी पेस्ट नहीं करने, लेकिन एफएक्यूज के अंदर आपने कीवर्ड्स लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स ऐड करें, ठीक है, यहाँ भी एफएक्यूज आप 5-6 एफएक्यूज ऐड कर दें, और कीवर्ड ऐड करें, क्वेश्चन क्वेश्चन कोई सा भी ऐड करके, ठीक है। तो आपका इस तरह से एफएक्यूज भी ऐड हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट आ गई है, रिक्वायरमेंट में आपने एक ही वो देना है, कॉन्टेक्ट मी बिफोर ऑर्डर। ये लाजमी 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 ये करना है। मैं अगर इसकी रीज़न बताने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं थका हुआ हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। और वैसे भी आप लोग भी बहुत जल्दी उकता आ जाते हैं, मुझे पता है, वीडियो बंद करके भाग जाते हो आप लोग, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ इसको लंबा किया जाए। गिग फोटोज़ के ऊपर बनाएंगे हम अलग से एक वीडियो, ठीक है। गिग फोटोज़ में कोई मसला नहीं है, आप इनमें से ही कोई एक गिग फोटो देखें, फिर गूगल पे जाएं, कोई ना कोई फ़ोटो सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। एसईओ का लाजमी ख्याल रखिएगा, जब भी फ़ोटो अपलोड करनी है फ़ोटो को रीनेम करना है, यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड्स डालने हैं और इंटर मारकर जब रीनेम हो जाए उसके बाद इसको अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, वीडियो भी डालनी चाहिए, सोचे वीडियो भी डालें, पीडीएफ भी डालना चाहिए। पीडीएफ बहुत सिंपली होता है, कोई भी इमेज है आपके पास उस पर राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू पीडीएफ, मैंने तो फॉक्सी रीडर किया हुआ, यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ हो जाता है, वरना यहाँ से हो जाता है JPG to PDF, इस तरह से, ठीक है। आप पीडीएफ कन्वर्जन कर सकते हैं यहाँ से अपलोड फाइल्स करके, यहाँ से अपनी सिंपल इमेज को अपलोड करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ को बाद में रीनेम करना है, रीनेम करने के बाद उसमें सारे उसके नाम में सारे वो डालने हैं, क्या कहते हैं अपना कीवर्ड्स, कीवर्ड डालने के बाद उसको अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से आपकी हो जाएगी, गिग भी अपलोड हो जाएगी। मैं एक गिग फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको, कोई सी सिंपल सी,
ये वाले कर देता हूँ मैं, सिंपली आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपने सेवन कंटिन्यू करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पब्लिश का, आप पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये ले दोस्त, आपकी गिग रेडी हो जाएगी। इसके बाद अपनी गिग के ऊपर ट्रैफिक लेने की पूरी कोशिश करें, दोस्तों को बोलें इसके ऊपर क्लिक करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक शेयरिंग करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेंगे, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाएँ। खुबैब गौरी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।